ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। बस भाई सुबह तक मारता रहेगा। मेरा नाम क्या है पहले बताओ। Hey family, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आ चुका हूँ यूट्यूब वीडियो के साथ। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम ट्रिप पे आए हुए हैं, मैं, वैभव और हमारे दो दोस्त हैं। आज हमारा उत्तराखंड में मे बी तीसरा दिन है। उत्तराखंड में दूसरा दिन है? तीसरा दिन है। दूसरा है ब्रो। भाई एक दिन आए थे, रुके हुए थे, दूसरे दिन कल। अच्छा हाँ। आज तीसरा दिन पता ही नहीं चलता, पता है। और आज हमारा है लास्ट डे, और लास्ट डे में ऐसे कि आए तो हम रात को निकलेंगे। रात को तो यार मुश्किल ही होगा क्योंकि पहाड़ों में से जाना है तो मुश्किल ही है, और सुबह निकल या तो सुबह निकलेंगे। और मैं फर्स्ट टाइम पहाड़ों में आया हूँ अपनी गाड़ी लेके, मुझे बड़ा मजा आया चला के। और ये ट्रिप मैं पहली बार कुणाल भाई, मोक भाई के बिना आया हुआ हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर से घूमना स्टार्ट किया था, उन्हीं के साथ मैं पूरा घुमा हूँ। ये पहला ट्रिप है जो मैं उनके बिना आया हुआ हूँ। एक हमारा प्रॉमिस था एंजेलिका के साथ ये ट्रिप, इस वजह से हम आए हैं। और ये सामने वाला रूम जो है वो उनका है, हमने उनको सुबह सुबह उठा दिया रेडी होने के लिए। मैम झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। आप लगाओ। नाश्ता लाया, चाय मंगाई थी हमने। आप लगाओ। चाय मंगाई थी, चाय मंगाई थी। कल तो आप बने हुए थे वेटर, आज तुम बन जाओ। ये है हमारी दोस्त मिस कोसकी, और ये ना टीचर है, ये बच्चों को पढ़ाती है। अभी वैभव की क्लास ले रही है। दो घंटे पहले फोन किया था कि भाई रेडी हो जाओ, तुम क्या कर रहे थे जब से? हम लोग सो रहे थे। तो रेडी रेडी लग रही है ऐसे भी यार। सही है, गोरल होगा सही। हाँ। है ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये मैं और नाना हूं ना, सबको पता चलता है कि मैं नहीं नाना। देख ले तू, तू तो झबरा है, तू तो छोड़। हम बताओ भाई अपना। अंजलिका। हम बोल नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते सर, अब नाम कभी आते अंजलिका अंजलिका करते हैं। इनको मैं इतनी बार समझा चुकी हूं, हम 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं समझाती हूं, एक अंजलिका, अरे भूल भुलैया है ना, भूल भुलैया उसकी एक्टर है, उसकी बहन है, उसकी बहन है मंजुलिका। अरे हमने तुम्हें क्या प्रॉमिस किया था जब ये ना इसकी तबीयत खराब थी ना, 10 से 12 दिन तक ये एडमिट थी। एक महीना बेटा, एक महीना। हाँ। हमें तो लेट पता चला था ना कि तुम एडमिट हो, 10-12 दिन बाद चला। तो हम दोनों मैं और वैभव मिलने गए इससे, तो हमने इससे बोला, इससे प्रॉमिस किया तो ठीक हो जाएगी, हम तेरे को घुमा ले चलेंगे। अरे गाइस इतनी जल्दी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया ना, ये मुझे इतनी सुंदर जगह लेके आया है ना। तू लेके आई है, हम लेके आए हैं, एक ही बात है यार। ये हमारा कोटेज है, यहाँ पे 3 कोटेज है हमारे, यहाँ पे 2 कोटेज है, एक ये वाला एक ये वाला। आप सामने देख सकते हो ये लोग वीडियोस बना रहे हैं और फोटोज ले रहे हैं, और यहाँ पे व्यू इतना प्यारा है ना, आप देख सकते हो। और सबसे ज्यादा प्यारा व्यू लगता है यहाँ पे शाम को। ये लोकेशन है चक्राता उत्तराखंड में, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टा आईडी दी हुई है, वहाँ पे जाके आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अभी जस्ट हम रेडी होके आए, अभी हमने फोटोज वीडियोज बनानी स्टार्ट करी है, उसके बाद हम जाएंगे वाटरफॉल। मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूलता ही जाता हूँ, क्योंकि देहरादून से निकले थे तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल आधा था, यहाँ तक आते आते पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अभी चलेगी कम से कम ये 30 किलोमीटर चलेगी, और यहाँ से पेट्रोल पम्प शहर में मिलेगा, क्योंकि इधर तो पेट्रोल पंप होगा नहीं। मैंने सोचा कि देहरादून से जब निकलेंगे तो हाईवे में कोई ना कोई पेट्रोल पंप पड़ जाएगा, बट रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं पड़ा। और अभी टेंशन ये है कि हमें लोकल मार्केट से लेनी पड़ेगी पेट्रोल। किसको बताएगी? हमें बताएगी। हाँ और किसको? जो 23 पसंद की जैकेट है ना, जो ये हमें भी हक नहीं है भाई, मैं किसी को देता नहीं हूँ। मैंने ना दिल पे पत्थर रख के मैंने दिया ना इसको, अपने जैकेट पे दिया। तूने दिया? हमें लिया है, इसने लिया है, चुराई है मैंने इसकी जैकेट, क्योंकि गाइस मैं सारे गोवा के कपड़े लेके आई थी। दोस्ती अपनी जगह है और कपड़े अपनी जगह है, कपड़े बस दो ही बंदे शेयर करते मेरे साथ, नितेश कुमार, मोहक नारंग। ये बना बस पेट्रोल मिल जाए। मैंने ना 3 दुकानों में पता कर लिया है, पेट्रोल हमें बिल्कुल नहीं मिला, पता नहीं हमें कहाँ मिलेगा। और गाड़ी चलेगी फिर सिर्फ 56 किलोमीटर में, 30 बोल रहा था उस टाइम, बट ज्यादा चल रही है अभी। अभी तो देखते हैं यार, पेट्रोल बस मिल जाए, कहीं हम रास्ते में पूरी रात काट रहे हो गाड़ी में। गाड़ी चलाने वाले के साथ ना एक नुकसान है, ना तो व्यू एंजॉय कर सकता ना कुछ, बस सामने नजर रहेगी उसकी, वो भी बिल्कुल ऐसे आंखें गड़ा के। अब 1.5 किलोमीटर और आगे है, हमें वहां जाना है टाइगर फॉल। अभी और आगे जाए, आपके पास कितना है? 2.5 किलोमीटर आप जाना सीधे। हाँ? या तो ऊपर चले जाना या नीचे साइड में, ये मतलब 2-3 वहाँ पे आपको ट्रायंगुलर वे आएगा। ओके। एट दैट प्लेस यू विल फाइंड। पेट्रोल तो हमें मिल चुका है, इसलिए हम थोड़ा खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खेल के दिखाओ। खेलो खेलो। अब अच्छा खेल रहे आप, खेलो खेलो। कितने मारने?
कितने मारने आता हूँ? पाँच पाँच बस। एक टाइम पे मैं बहुत मारता था पता है, हमारे यहाँ उसके अलग उस क्या कहते हैं रबड़ रबड़ है। नितेश प्रो प्लेयर। बस भाई सुबह तक मारता रहेगा। इसको चुंगी बोलते हैं। किस किसने खेला? मेरे ख्याल से तो हम जहाँ हम जा रहे थे घूमने वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, और आते आते भी हमें 8-9 बज जाएंगे, और पहाड़ों पे रात को घूमना सेफ नहीं होता। तो अभी हम सारे डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। पर डलिया पहले में डाल रहा हूँ ऐसे। डलिया कैसे? और हाँ इसको ऐसे भाई रियल स्ट्रगल देख लो। लेकिन इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मेरे साथ पहली बार हुआ जब से मैंने गाड़ी ली है, जब से अब मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब होते अच्छे हैं यार कुछ भी को। क्या करना है चलना है अब? यार क्या करना आप बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पाक कितना टाइम हो गया अभी? टाइम इज 5:22 और जाने में 1 घंटा लग जाएगा। तो हमने सोचा ये कि कल हमें वैसे भी घर निकलना है, तो सुबह सुबह हम वहाँ वाटरफॉल होकर फिर हम घर जाएं। रिंकिया के पापा मतलब इसका निक नेम है रिंकी, तो हम इसको जब से चढ़ाए जा रहे हैं रिंकिया के पापा। तो चिड़ हो रही है? चक देनी मार देली खींच के तमाचा ही हौस दे ले रिंकिया के पापा। भाई मोमोज नहीं खाए मैंने बहुत दिन से। हाँ मोमोज और मैगी खाते हैं। हाँ मोमोज खाते हैं। यस मोमोज और मैगी डन। कुणाल भाई मोहक भाई दोनों आ चुके हैं हमारे पीछे पीछे, ये रहे दोनों। तब तक इस बच्ची ने बताना था, मैं सोच के कंफर्म कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारे लोग आते भी नहीं पहचान के, बट जो लोग पहचानते हैं वो आ जाए करें, हमें बहुत अच्छा लगता है मिलके। एक प्लेट में खा रहे सब। मेरा नाम क्या है पहले बताओ? नितेश पास। और इनको पता है, अभी कई लोग मिले जिनको मेरा नाम ही नहीं पता था, बस ये पता था कि मैं वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। सुबह हो चुकी है और हम रात तो आते सो गए थे क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। जल्दी क्या, हमें 6 बजे निकलना था और बज चुके हैं अभी 9:43। भाई जल्दी कर, लेट हो जाएंगे। अभी हमारा प्लान ऐसा है कि अभी हम जाएंगे पहले वहाँ फॉल घूमेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली के लिए वापस। स्मार्ट तो लग रहा है भाई बहुत। पैदल स्मार्ट हुआ था। फाइनली 2 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं। हमें लग रहा था 1 घंटा, लेकिन फिर भी हमें 1.5 से 2 घंटे तो लगे गए आने में। और यहाँ से पैदल पैदल का रास्ता है कम से कम 250 मीटर। अगर लड़के को पहाड़ों में जाना हो तो स्पोर्ट्स शूज डालें, फ्लिपर्स डालें। हील कौन डालता है भाई? ऐसा लग रहा कि हम बीच पे जा रहे हो। गोवा गोवा वाली वाइब आ रही है क्या यहाँ पे? इसने सोचा वाटरफॉल है तो थोड़ा गोवा वाला फील होगा। कैसा लग रहा है भाई चलो जल्दी जल्दी चलो। हमारा ठीक है बाबा, चल एकदम। कल तक आ जाना, तुम ठीक है? मॉर्निंग में मिलते हैं, हम जा रहे हैं। यहाँ पे पानी की स्पीड इतनी है ना कि हम खड़े खड़े भीग सकते हैं। मैं आधा किलो चुका हूँ। उसके नीचे चले चले, अगर कपड़े लेके आते ना यहाँ पे नहा सकते थे। मैं वहाँ पे कुछ फोटो और वीडियो शूट करने गया था, इतने में पूरा गीला हो चुका हूँ मैं। अब गाड़ी हमारी बहुत दूर पैदल जाना पड़ेगा अभी गीले होके। मैं बचा हुआ था बिल्कुल सूखा, इन लोगों ने मुझे बुला के गीला कर दिया। भाई तुम तीनों कपड़े गीले, तुम लोग मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अब ये लोग कहीं रास्ते में चेंज करेंगे। तुम लायक ही हो बेइज्जती का। कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी है, 2 बैटरी लेके आया था मैं, एक चार्ज करा था मैंने, मुझे लगा एक चार्ज होगा बट वो चार्ज नहीं था, तो इसलिए मुझे फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है। पहाड़ों में ना थोड़ी सी चढ़ जाओ सांस फूलने लग जाती है। यहाँ पर हमारी ट्रिप खत्म होती है और इन्होंने चेंज कर लिया, इसने कर लिया अभी शायद, ये करेगी नहीं करेगी पता नहीं इसका। मैं सूख गई हूं यार, मैं नहीं कर रही। बाबा ने भी टी शर्ट चेंज कर लिया, मैंने भी टी शर्ट चेंज कर लिया क्योंकि मेरी टी शर्ट पीछे से गीली थी। लोअर भी ठीक है भाई, लोअर भी कर लिया। और मैंने टी शर्ट चेंज इसलिए कर ली क्योंकि मेरे को ड्राइव करना था। सब लोग कमेंट करते रहते हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त है बस, क्योंकि मैंने इसके साथ 2 वीडियोस बनाई थी तो सबको लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है, सब दोस्त हैं। वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय।